तिवारीपुर थाना क्षेत्र के सूर विहार कॉलोनी में महिला गैंगस्टर के घर जन्मदिन पार्टी में हुई हर्ष फायरिंग में दो युवकों के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें नीतीश सिंह और आमिर नाम के दो युवक को गोली लग गई, जिनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। नीतीश सिंह की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उसे लखनऊ के लिए रेफर कर दिया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को घटना की सूचना दो घंटे बाद रात करीब 1 बजे दी गई। इसके बाद पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। जांच में पता चला कि महिला गैंगस्टर गीता तिवारी, जो जेल से अक्टूबर में जमानत पर रिहा हुई है, शुक्रवार को उसकी नतनी का जन्मदिन था। ऐसे में घर पर ही एक पार्टी का आयोजन किया गया था और जश्न के दौरान ही फायरिंग हो गई। पुलिस ने नीतीश के पिता की तहरीर पर 4 नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की कोशिश की धारा में केस दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया। ये गुलहरिया पुलिस को रात के लगभग 12:30 बजे के आसपास ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में किसी दो व्यक्तियों को गोली लगने के कारण एडमिट कराया गया है। उसमें पहुंच कर जांच की गई तो दो जो घायल व्यक्ति मिले हैं वे हैं नितेश सिंह और मोहम्मद आमिर, ऐसा उनका नाम बताया जा रहा है। जो घायल नितेश सिंह हैं उनसे उनके पिता के माध्यम से तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने 4 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है। ये 4 लोग हैं गीता तिवारी, जस्सू जायसवाल, शिरीन सोनकर और छोटू कुरैशी। इन 4 अभियुक्तों में से 2 की गिरफ्तारी कर ली गई है, अन्य 2 के पीछे पुलिस की टीमें लगाई गई हैं। और इनमें जो अभियुक्त हैं गीता तिवारी, जस्सू जायसवाल, शिरीन सोनकर और छोटू कुरैशी, इन 4 के ऊपर पुराने आपराधिक इतिहास हैं और इनका आपराधिक इतिहास खंगाला भी जा रहा है। इन पर हत्या, गैंगस्टर, लूट, इस प्रकार के मुकदमे इन पर पूर्व में पंजीकृत हैं। और इसमें जो अब जो मजरूब हैं जिन्हें गोली लगी है, वो दोनों को गोली सतही तौर पे लगी है, दोनों खतरे से बाहर हैं। और जिनको गोली लगी है उनमें से नितेश सिंह के ऊपर भी हत्या जैसे अपराध बताए जा रहे हैं, जिसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। इनके ऊपर 2012 और 14 में हत्या करने वाली बातें सामने आई हैं, इसके बारे में जल्दी पुलिस जानकारी कर रही है और जल्दी ही लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। अब तक की जांच में ऐसा पता चला है कि तिवारीपुर थाना क्षेत्र में गीता जायसवाल द्वारा अपनी नतनी के बर्थडे को लेके एक आयोजन किया गया था, जहां पे सभी लोग एकत्र हुए थे, जहां पे ये घटना हुई है। और आगे की विवेचना में बाकी की चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। ये घर के अंदर इनके द्वारा बर्थडे मनाया जा रहा था छोटे पैमाने पर, और ये गीता जायसवाल के बारे में जो जाँच की पता चला है कि ये गैंगस्टर के मुकदमे में ये जेल गई थी और वहाँ से इसी महीने के 20 तारीख के आसपास यहाँ से उनकी रिहाई हुई थी, और इसमें बाकी की चीज़ों की जांच की जा रही है।